रसूले खुदा आफताबे हिदायत सलामुन अलैका सलामुन अलैका। आप रहमत वाले तबारक व तआला अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह, बड़े इबादत गुजार, बड़े अल्लाह के मुखलिस बंदे, बड़ी नेक शख्सियत। घर में इबादत और रियाजत में मसरूफ रहते। एक दिन खादिम ने कहा, आपकी अहलिया ने कैसा है मियां साहब, बड़ा वक्त हो गया आपको इबादत और रियाजत में, बच्चियां काबिले अक़्द हो रही हैं, कुछ पूंजी हो, कुछ एहसास हो जिसके सबब बच्चियों को घर से रुखसत कर दिया जाए, निकाह कर दिया जाए। उन्हें ठीक है, तवज्जो देना मेरी बात। ठीक है, अल्लाह इंतजाम फरमाएगा। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं वो अल्लाह ही पे भरोसा करते हैं, उन्हें दुनिया पे भरोसा नहीं है, उन्हें अल्लाह पर भरोसा है। एक दिन था, दूसरा दिन फिर कहा, खवातीन की आदत होती है, उन्होंने फिर कह दिया। फिर बोले, हाँ अल्लाह इंतजाम फरमाएगा, वक्त पे सब इंतजाम हो जाएगा। बोले, वो ठीक है, कुछ कोशिश भी तो करें आप। बोले, अल्लाह कर देगा। ज्यादा मजबूर किया तो थैला लेके बेचारे घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, शहंशाह वक्त की बारगाह में पहुंचे। आपका शागिर्द रशीद शहंशाह वक्त है, शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि ताला अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े फकीर हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। उनकी बारगाह में जब पहुंचे, देखा कि उस्ताद मुकर्रम आ रहे हैं, जल्दी से अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए, हाथ बांध कर खड़े हो गए। हजरत तशरीफ फरमा, सलाम अर्ज किया, उन्हें वालेकुम सलाम बेटा, हुजूर तशरीफ रखे, बैठ गए। बोले, कैसे ज़हमत की यहां तक तशरीफ लाने की? बोले, ज़हमत का बेटा, तेरी मां ने मजबूर किया इसलिए चला आया। ये कहा गया कि बच्चियां काबिले निकाह हो रही हैं, कुछ थोड़ी एहसास हो जिसके सबब बच्चियों की जिम्मेदारी से जो है दोषी हासिल कर ली जाए। अच्छा, बोले तशरीफ रखे, अभी आते हैं। उठकर चले गए, काफी देर के बाद आए तो एक रुपया निकाल के, एक रुपया निकाल के लाए, ला के आपकी बारगाह में पेश किया। ये भी अल्लाह वाले, वो भी अल्लाह वाले, वली रा वली भी शनासत, वली को वली ही पहचानता है। अरे थर्मामीटर लेके घूमते हैं मरी बेहोश की, वली को वली ही पहचानता है। उन्होंने एक रुपया दिया, इन्होंने लिया, मुट्ठी बंद करके चलते बने आ गए। देखा बाहर बाजार में मछली बिक रही है, तो उस एक रुपए से मछली की एक टोकरी खरीद ली, उसमें कई मछलियां थी। बोले, चलो जो भी है, कम से कम खाने का तो हिसाब है, लेते लेके चलो घर पे, पूछा जाएगा क्या लाया, कुछ तो होना चाहिए। घर लेके गए, देखा कि हाथ में मछलियों का टोकरा है, खातून बड़ी खुश हुई। बोले, चलो अल्लाह खैर करे, कुछ तो मिला, खाने का भी सामान। बोले, आप खाना तैयार करें। पहले कदम बड़े तकवे वाले थे, बड़े तकवे वाले लोग थे, खवातीन जो थी वो बड़े तकवे वाली थी। जब तकवे वाली थी तो उनकी गोदों से तभी तो बच्चे इतने आलीशान निकले, इतने निराले तकवे थे उनके। उन्होंने पहली मछली जब काटी, पड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मछली को काटा तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली मछली के अंदर एक मोती निकला, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। उसके बाद अब हिर्स क्या कहती है, तमा क्या कहती है, एक काटी फौरन बोले दूसरे में वो काटा, उसमें भी नहीं, तीसरे जितनी थी सारी मछली काटा दी, किसी में नहीं, यकीन नहीं। लेके आपकी बारगाह में हाजिर हूं कि हजरत ये मोती निकला एक मछली के अंदर। बोले, अच्छा मोती मुझे लाओ, आप मछलियां तैयार करो, मैं भी आता। अब उस मोती को लेके हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में पहुंचे, जाके कहा, बेटा
ये बता मेरे पढ़ाने में कमी है तेरे पढ़ने में कमी, मेरे पढ़ाने में कमी नहीं है तेरे पढ़ने में। इतनी मछलियां थी मोती एक ही के अंदर क्यों निकला, सब में क्यों नहीं निकला? सोचते रहे गौर फिक्र करते रहे, खुद रोशन जमीर थे, चाहते तो फौरन जवाब देते, लेकिन नहीं, अल्लाह वाले जो बोलते हैं अल्लाह के हुक्म से ही बोलते हैं। ठीक है, कुछ देर खामोश रहे, उसके बाद बोला बोले हुजूर एक गलती हो। बोले क्या गलती हो? बोले गलती हुई, बहुत जहन के करीब रखना आपने। बोले गलती ये हुई है, आपका काम क्या था? आप कुरान शरीफ लिखा करते थे, लिखकर उसको हदिया करते थे, उससे गुजर औकात करते थे, या फिर टोपी जो लगाते हैं इस टोपी पर भूटी वगैरह बनाते थे, उससे गुजर औकात करते। शहनशाह वक्त आज अगर कई ममालिक मिला लिए जाए तब भी उतनी बड़ी शहनशाही नहीं होगी जितने बड़े शहनशाह थे। तो उससे अपने गुजर औकात करते थे, अपने बच्चे पालते थे। बोले कोताही क्या हुई तुमसे बताओ? बोले हुजूर कोताही हुई कि एक दिन मैंने जो कुरान शरीफ में लिख रहा था उसको मैंने बैतुल माल के पैसे से जो चराग जलता था महल में, एक दिन, सब दिन नहीं, एक दिन उस चराग की रोशनी में बैठ के मैंने कुरान शरीफ लिखा था, हजरत ये मुझसे कोताही हुई। बोले अगर किसके कौन सा पैसा था? वो पब्लिक का पैसा था, जनता का पैसा था, उस पैसे से जलते हुए तेल की रोशनी में देखे बारी की चराग, उस रोशनी, उस चराग की रोशनी में कुरान शरीफ लिखने के सबब इतनी बड़ी कमी आई कि एक मछली के अंदर ही मोती निकला। बोले हुजूर अगर ये कोताही ना होती तो कसम खुदा की सारी मछलियों में मोती निकलता। हम अपना मुहासबा करें, आज हम कितनों को खा जाते, डिकार नहीं लेते, कितनों का डिकार जाते, कितनों को खबर नहीं लगने देते, नजर बचाते काम, फिर अपने शहजादे की तारीफ करते हैं, मेरे महल्ले में इससे ज्यादा कमाऊ कोई लड़का नहीं। बोले ये अच्छे अच्छे चूना लगा दे तो मुहासिबा करें और वो फिक्र करें जरा अपने असलाफ को तो देखें, उन्होंने जो हमें ये वकार हमें मिला है, जो आज ये हम चैन और सुकून के साथ ये तमाम मामला जो हमारे चल रहे हैं, हकीकत में ये उन्हीं बाजुओं की जायज कुव्वत का नतीजा है। लेकिन हम नहीं सोचते, हमने तो मौका देखा है, किस मौके पे हम कामयाब हैं, उस मौके को गनीमत समझा और अपना काम किया। कितने भाइयों ने हमारे ये तसव्वुर कर लिया कि जिंदगी यही है, खाओ पियो सो जाओ, सुबह उठो फिर काम पे लग जाओ, फिर खाओ फिर सो जाओ, फिर उठो फिर काम पे लग जाओ, इसी का नाम जिंदगी है। मेरे भाइयों इससे जो आप जिंदगी तसव्वुर करते हो ये धोखा है। जिंदगी अगर इस तरह की होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदे शब और रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत की, उसके रसूल की इताअत में गुजारते। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया वल लजीना यबीतूना लरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी तारीफ की है जो सारी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत में गुजारते, वो भी तो अल्लाह के बंदे। लेकिन हमने गौर नहीं किया, हमने तो बस ये सोच लिया कि थोड़ा सा वक्त है यही कामयाब। खुदा रा अपने हाल ज़ार पर गौर व फिक्र करें और रब तबारक व तआला की खैर मनाएं। आज हम तसव्वुर करते ठीक है अजाब, वो अजाब तो नहीं आया, अल्लाह ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम वअंत फीहिम, अल्लाह की शान नहीं है महबूब, मेरी शान नहीं है कि मैं आजाब भेज दूं और आप उन्हीं में, वो वाला आजाब नहीं आएगा कि पत्थर बरसने लगे, अब वो आजाब नहीं आएगा कि
زمین کے حصے کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا جائے, یہ عذاب نہیں آئے گا. اب عذاب دوسرے طریقے کا, اب محسوس بھی کر کر یہ عذاب نہیں ہے. ہمارے اسلام کی مقدس شہزادی مرتد ہو جائے, یہ عذاب نہیں ہے. سب کچھ ہمارا ہوتے ہوئے, پورا وجود ہوتے ہوئے, اور پھر بالکل ہمیں اختیارات نہ ہو, یاد آتا ہے, لیکن ہم محسوس نہیں کرتے. ایسا معلوم پڑتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری عقل سلب کر دی, ہم سوچتے نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ظلم کی حمایت کا گناہ ظلم ہے. اگر کوئی ظالم کی حمایت کرتا ہے تو اتنے حصے دار ہے جتنا وہ ظالم ظلم کرنے میں. لیکن ہم نے غور نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے اللہ رب العزت کے فرشتے اتریں گے اور پھر تم سے کہیں گے ادھر منہ کرو. یا اللہ رب العزت کے نبی آئیں گے, وہ آ کے دوبارہ آپ کو ہدایت کا پیغام سنائیں گے. اللہ رب العزت نے دین کو اپنے محبوب پر مکمل کر دیا. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی آئیں گے وہ کوئی نئے نبی, مطلب جو ہے کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے. تو میرے بھائیوں, اپنے آپ پر غور و فکر کرو, ذہن کو اپنے تھوڑا استعمال کرو, کیا کہاں ہو, ظلم و زیادتی سے بچو, مارے حرام بڑی پابندیاں ساری چیزیں, لیکن اس کے بعد بھی ہمارے حالات پہ کنٹرول نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرمایا وحل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ رب العزت نے حلال کیا خرید و فروخت کو اور حرام کیا سود کو. اس کی مذمت جانتے ہو؟ اس کی مذمت یہاں تک ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, حضرت علی بن ابی طالب کا سنا ہوگا. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, آپ کو یاد دلا دوں صرف. سود جسے رب تبارک و تعالیٰ نے قطعاً حرام فرما دیا, نص قطعی سے یعنی قرآن شریف سے ثابت ہے یہ, لقمہ بہت بڑی بات ہے. یہاں تک کہ آیا کہ سود خور کی دیوار کا سایہ بھی حرام ہے. لقمہ بڑی بات, آج ہم جانچتے نہیں ہیں. لقمہ ہو کیسا بھی, پیسہ ہو کیسا بھی, تو ہم غور کریں اپنے. بڑے تقدس کے لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں, قربانیاں دی ہیں, تب یہ بات ہے جو آج میں تب ہم تک پہنچی, بڑی قربانیاں دی ہیں. ایک بادشاہ کے زمانے میں کسی نے خبر پھیلا دی, اس بادشاہ نے اپنے شہزادے کو ایک مہم کو فتح کرنے کو بھیج دیا. جب شہزادہ وہاں پہنچا تو کسی نے خبر پہنچا دی, یعنی غلط خبر پھیلا دی, یہ کہہ دیا کہ آپ کا شہزادہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. پہلے کے لوگ بڑے مدبر ہوتے تھے, بادشاہ تو ہوتے تھے اللہ والے ہوتے تھے, اور تبھی مخلوق ان کے زیر سایہ پرورش پاتی تھی. اللہ والے ہوتے تھے گئے تو کہیں اور نہیں گئے, معلوم کرنے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے, گھر کے اندر داخل ہوئے, اپنی بیوی سے کہا بولے محترمہ ہم نے سنا ہے آپ کا شہزادہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا, ذرا دیکھیں کتنی بڑی کارنامہ. ماں کہتی ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ارے آپ کہہ رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا, فلاں نے خبر پھیلا دی, اس تک خبر آئی کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. بولے جناب ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بولے کیوں؟ بولے آپ معلوم کرو دوسری خبر آئی کہ نہیں اس نے اس مارکے کو فتح کر لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ.
गए मोहतरमा ये बताओ इतनी गारंटी आप क्यों दे रही थी, भाग नहीं सकता। बोले वजह है उसकी। बोले क्या वजह? आप यहाँ है वो वहां है, इतनी बड़ी गारंटी। बोले कसम खुदा की जब से मेरा शहजादा मेरे शिकम से पैदा हुआ है उस तारीख से लेके दूध पीने की उम्र तक कभी मैंने अपने बच्चे को बगैर वजू दूध ही नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताया कि मुझे अपने दूध के तकद्दुस पे भरोसा है कि मेरे दूध की जो तहारत है वो बर्बाद नहीं जा सकती, इतना एतमाद था। मैं आपको बता दूं आज मामला यहां तक है कि बाप भी सगा बाप किसी चीज की मिसाल ले दे, कोई मिसाल दे दूं, यू कहिए जैसे मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर पे सगा बाप दवाई लेने के लिए गया, कहा बेटा जरा पुड़िया बना दे बुखार आ रहा है। बोले अच्छा अच्छा ठीक है। तो बाप भी कह रहा बेटा ठीक वाली बना देना जरा सही वाली। बाप को ये कहने का मौका क्यों आया? बाप है इख्तियार है, लेकिन इतना कहने का ये मौका बाप को क्यों आया? पता चला कि हमारी खसलात खराब है। बाप भी इस बात को कह रहा है बेटा जरा ठीक वाली बना देना। जरा गौर करें कितने हम गिर चुके हैं, कितना हमारा मियार डाउन हो चुका है, लेकिन हम गौर फिक्र नहीं करते। हमने तो बस ये समझ लिया है कि यही जिंदगी है, असल जिंदगी यही है, असल हालांकि ये नहीं है। असल जिंदगी वो है जो मौत के बाद अमली शुरू होगी। ये तो दारुल अमल है, आप क्या करते हैं क्या करेंगे। हजरते गिरामी अल्लाह तबारका व ताला के महबूब बंदों की जिंदगियों पर अगर गौर करो तो अपनी जिंदगी को उनके जिंदगी से अपने आप को जब आप सामने रखेंगे मिसाल के तौर पर, हालांकि औकात नहीं हमारी अपनी जिंदगियों को उनकी जिंदगी से मिलाए, लेकिन अगर फर्ज करें अपनी आयात को उनकी आयात के सामने रख के अगर दोनों का सामना कराओ कि मामला क्या है, तो हम तो परसेंट पे भी नहीं होते, 0% पर भी हमारा मामला नहीं। आज सबसे ज्यादा हमें दुनिया ने इस कदर घेर लिया है कि हमें फुर्सत है। दुरूद शरीफ पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि व नबी अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहम्मद व बारक वसल्लम لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। حضرات گرامی قران عظیم میں اللہ نے فرمایا جو نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہم اسے سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ تنقع، اور جو میرے ذکر سے گردن پھیرے گا हम उसकी जिंदगी को तंग बना देते लेकिन हम महसूस नहीं करते। अल्लाह ने फरमा दिया यानी जो उसका खाएगा किसी और का खाएगा, उसकी जमीन पे चलेगा इताअत किसी और की करेगा, कुव्वत जिस्म में रब की रखेगा काम किसी और का करेगा, तो अल्लाह क्या करेगा फिर उसकी जिंदगी को तंग कर देगा। हम समझते नहीं। आइए हजरत फुज़ैल बिन अय्याद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुत ताइफा बहुत बड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदे, बड़ी अजमत वाली शान है आपकी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर सवार हुए, घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा भिदकने लगा, भिदकने लगा तो नीचे उतर, नीचे उतर के आए जानमाज पूछा दो रकत नमाज अदा और करना बात। दो रकत नमाज जब अदा की और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गड़गड़ाने लगे
तौबा इस्तगफार की। उसके बाद घोड़े पर सवार हुआ, घोड़ा अपनी असली हालत पे आ गया। सवाल किया लोगों ने कि हुजूर आपका ये मामला समझ में नहीं आया, घोड़ा घोड़े का बिदकना, फिर आपका घोड़े से नीचे उतरना, फिर नमाज पढ़ना, फिर अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करना और फिर घोड़े पर सवार हो जाना, मामला क्या है? आपने शायद सुनो, घोड़े पर वह जब सवार हुआ तो घोड़ा बिदकने लगा। जब बिदका तो मैंने यह महसूस किया कि शायद मेरी जात से कोई रब तबारका व ताला की नाफरमानी हो गई। आप फरमाते हालांकि मुझे याद नहीं है क्या हुई है, लेकिन यह कयास कराया हुआ। बोले हुजूर फिर? बोले जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करता है तो जो चीज उसके मातहत होती है वो चीज उसकी नाफरमान हो जाती है। बोले यही वजह रही कि घोड़ा बिदकने लगा। आज हम कहते हैं बेटा बात नहीं मानता, अच्छा तुम अल्लाह की बात कितनी मानते हो? बाप की मानना बात की बात है, अल्लाह की कितनी मानते? कितनी अल्लाह उसको उसके रसूल की इताअत करते, कोशिश करते हो बेटा बात मानते। अगर तुम रब की बात मानने लगो ये तो बेटा है, तुम्हारी बात सब मानने लगे। लेकिन हम समझते हैं, हमने तो बस यही सोचा है कि यही जिंदगी। नौजवान तबीयत पर अगर गौर करें, शराब सबसे ज्यादा, इसे आज लोगों ने जूस का नाम दे दिया। बोले कुछ नहीं, वो तो जूस है। जिसे उम्मुल खवाइफ कहा गया, उम्मुल खवाइफ गुनाहों की जड़, शरारतों की बुनियाद। इसका बहुत बड़ा दखल है। आज हमारे मुआशरे को चकनाचूर अगर किया है तो उसने किया। अच्छे नौजवान जिनके जिस्म बड़े ताकतवर तवाना थे, आज वो पिंजरे जैसे मालूम पड़ते हैं। और जो चीज भी इस्लाम में हराम की गई है उसके हराम होने में बहुत बड़ी हिकमत है। डॉक्टर बताते हैं कि गुनाह करने से इंसान कमजोर हो जाता है, गुनाह करने से इंसान कमजोर हो जाता है। नेकी करने से, इसका दूसरा पहलू क्या है, नेकी करने से इंसान ताकतवर हो जाता है। लेकिन हम गुनाह करते हैं। शराब जरा देखिए, हमारे अकाबिर ने हमें इससे कितना, इसकी गंदगी से हमें कितना डराया है, और इससे हमारे जहन को किस तरह, किस किस तरीके से हटाने की कोशिश की। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहु करीम फरमाते हैं कि अगर किसी मैदान में शराब का एक कतरा गिर जाए, जरा गौर करें, किसी मैदान में शराब का एक कतरा गिर जाए, फिर 70 साल वो मैदान रहे, फिर वो मैदान तालाब बन जाए, फिर 70 साल वो तालाब रहे, उसके बाद भी अगर कोई कहे कि अली इस तालाब में अपने घोड़े को पानी पिला दो, मैं अपने घोड़े को पानी पिला नहीं सकता। तकवा देते हैं। और ये मजम्मत है शराब। हमारा नौजवान बड़ी खुशी के साथ पीता है, वालिद फख्र करते हैं। बोले वो कुछ करता थोड़ी ना, पी के शाम को चुपचाप सो जाता, घर पर थोड़ी करता है। बोले हम तो आज तक देखा नहीं पीता को भाई, लेकिन वो सही अपनी जगह पे पीता है, चुपचाप सो जाता है। इस सही पर अगर गौर करें तो बड़ी बारीकी है, ईमान का पता नहीं चलेगा किधर गया। माशाल्लाह काफी आपने देखा होगा, सरकार मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला आपके मुरीद थे बरेली शरीफ में। वो थे इत्तेफाकन टीचर थे, पढ़ाते थे। एक मकाम पर पहुंच गए, एक बच्चे को पढ़ाते, जो बच्चा जो साहिब ईमान था उस बच्चे को पढ़ाते थे। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब दिया, मैं फलां टीचर जो बच्चे को पढ़ाने आता हूँ। वो कहाँ है? बोले वो
अपनी प्रेयर में, समझ रहे बात, तो क्या कहा अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। इतना कहा, लेकिन पीर भी होगा कई मुफ्ती आजम जैसा रोशन जमीर, इधर जबान से निकला उधर खबर हो गई। क्या किया, जल्दी से खादिमा भेजी और उस खादिमा को भेज के उनकी खातून को अपने घर बुलवा लिया। बेखबर हो जो गुलामों से हो आका का, ऐसे आका थे कि गुलामों से बेखबर नहीं थे, जानते थे, खबर रखते थे। और हकीकत में पीरी मुरीदी यही थी। पीरी मुरीदी का मतलब क्या है? पीरी मुरीदी का मतलब यह है कि मुरीद के मुरीद भी पहले मुरीदी होते थे और पीर भी पीर होते। अल्हम्दुलिल्लाह पीर आज भी है और मुरीद आज भी है। निका बेखबर हो जो गुलामों से, वो आपका क्या? आप रजी अल्लाह तआला ने फरौन की खातून को घर बुलवा लिया, क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि ला इल्मी में गुनाह का सुदूर हो जाए। अब जब वो पहुंचे, पढ़ा के अपने घर पहुंचे, दरवाजा बंद था, करीब में मकान था। पूछा कि भाई हमारी खातून थी घर में कहां गई? बोले कोई आया था उसको बुला के ले गया। समझ गया, पहुंचे वहां। लेकिन जो तकरे वाले होते कोताही हो जाती, जिनमें बेचैनी बहुत होती, बड़े बेचैन थे, मालूम तो नहीं था लेकिन बेचैन बहुत थे। गए डरते हुए दरवाजे पहुंचे, बोले सलाम अलैकुम, इशारा हो गया खामोश, जवाब नहीं दिया गया। अब और बेचैन, तजदीदे ईमान, बोले हुजूर मुझसे गलती हो गई, बोल दिए फौरन, अभी पूरी बात नहीं हुई, बोले हुजूर मुझसे गलती हो गई। बोले समझ रहा हूं, तजदीदे ईमान दोबारा करवा। मामला बताया नहीं अभी, वहां पहले से खबर है। तजदीदे बयात दोबारा मुरीद हो, तजदीदे निकाह दोबारा निकाह। कितना लफ्ज था, अच्छा अच्छा अच्छा, किस चीज को कहा? बातिल खुदा की परस्तिश को, उसकी तस्दीक करना। ये कहां ले गया? आज हम कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं, पीता है पी के सो जाता है, कुछ भी करता आदमी ठीक है अपनी जगह, दिक्कत नहीं, पीता है सो जाता है। जरा सा भी दिल में कनात नहीं होती। तो आपने सिर्फ इतने अल्फाज पर तजदीदे ईमान, तजदीदे बयान, तजदीदे निकाह, तीनों चीजें, ये क्या हुआ? एक अपने मुरीद को गुनाह से बचा लिया और हिदायत यानी वो रास्ते से भटके तो फौरन को संभाल दिया। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो आज बोलने में हिचकते नहीं।